सल्ला। फ्रेंड्स आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो आपकी हेल्थ और सबसे इम्पोर्टेंट आपके दिमाग के लिए बहुत ही पौस्टिक है ये हलवा हाँ जी जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम है खसखस है ये दोनों ही दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी ड्राई फ्रूट्स हैं ये तो इन्हीं का मैंने हलवा तैयार करा है क्योंकि ठंड भी चल रही है और ठंड में वैसे भी हलवे वग़ैरह बहुत खाने में आते हैं और फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं अभी पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है कि उनके बच्चों को पौष्टिक तत्व खिलाए जाएँ जिससे उनका दिमाग अच्छा चले और जो भी पढ़ाई वगैरह वो करें वो उनको अच्छे से याद रहे तो आज जो मैंने रेसिपी तैयार करी है वो इसी के लिए है तो सबसे पहले तो मैंने बादाम को भिगो दिए और ये देखिए ये पोस्त दाना जिसे खसखस कहते हैं ना इसको भी मैं भिगो दूंगी ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैं बता रही हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं ओवर नाइट के लिए भिगोंगी ये देखिए जैसे ये चिरौंजी दाने जो कहते हैं ना वो है और मैंने इसमें मतलब जिस मगज के बीज जो कहते हैं मगज के बीज दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो भी मिलाए हैं काजू ली है आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन इसमें खसखस बादाम ज़रूर मिल डालिएगा और एक मगज के बीज इससे दिमाग बहुत तेज़ चलता है और बच्चों को बहुत इससे मदद मिलेगी उनकी पढ़ाई करने में और सर्दी वगैरह मतलब ऐसे ही अपन लोग खाते हैं इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं क्योंकि इसमें सभी कैल्शियम मैग्नीशियम, आयरन मतलब सभी पोषक तत्व इनमें मौजूद रहते हैं और एक ख़ास बात यह है कि मैंने जो जिनको डायबिटीज़ वग़ैरह होती है ना वो भी ये हलवा खा सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे ओवरनेट भीग गए थे मैंने उनको खसखस को मैंने आपको वीडियो में छानते हुए दिखाया इस तरह से आप चन्नी से छान लीजिएगा और एक कढ़ाई लीजिएगा कड़े कढ़ाई अच्छी मोटे तले वाली होएगी तो बेस्ट रहेगा और इसके लिए मैंने अभी एक कप घी डाला है और एक कप घी में मैं सबसे पहले खसखस उसको मैंने अच्छे से पीस लिए और वो डाल रही हूँ और खसखस के अंदर खसखस क्योंकि मतलब वो तले में चेटती है तो वो चेटे नहीं इसके लिए आप कोई भी आटा गेहूं का चावल का कोई सा भी आटा इसमें एक से दो चम्मच डाल दीजिएगा इससे क्या रहता है कि कढ़ाई आपकी चेटेगी नहीं लगेगी नहीं तो आपको उसको खरोचने मतलब जल जाएगा चेट जाएगा अगर आप आटा नहीं डालोगे तो क्योंकि खसखस को इस तरह से धीमी धीमी आंच पे भूनना बहुत जल्दी चेटती बहुत जल्दी लगती है बर्तन में तो इसके लिए आप आटा जरूर डालिएगा और ये देखिए मेरी खसखस कलर चेंज होता जा रहा है और बस खसखस को भूनने में ही इसमें मेहनत है जितनी अच्छी आप खसखस भूनोगे ना टेस्ट उतना ही बढ़ेगा और ये देखिए जो मेरी बादाम थी ये छिल रही है धीरे धीरे इसको छीलने में थोड़ा टाइम लगता है इस तरह से मैं बादाम को छील लूँगी ये क्योंकि अपन ने इसको ओवरनाइट भिगो दिया था तो बहुत जल्दी आसानी से छिलके उतर जाते हैं बादाम के और यहाँ पर मैं इसको मिक्सर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी पीस लूँगी लेकिन इसको क्या है मैं हल्का दरदरा रखूँगी थोड़ा मोटा मोटा एकदम महीन नहीं पीसेंगे इसको जिस तरह से अपन ने खसखस पीसी थी ना ये देखिए कुछ इस फॉर्म में ही इसको पीसेंगे जब क्योंकि जब हल्वे में इसको डालेंगे ना तो और अपन खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यहाँ देखिए मेरी खसखस बहुत अच्छे से भुन गई है इसने अपना कलर चेंज कर दिया है और इसको लगातार चलाते रहना और जो अपन ने आटा डाला था ना देखो उससे कढ़ाई में कहीं पर भी खसखस चटनी लगी नहीं है मेरी कढ़ाई बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी तो इसलिए अपन ने इसमें एक या दो चम्मच आटा डाला था पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कप घी डाला है यहाँ इस स्टेज पे मैं दूसरा कप घी और ले रही हूँ ये देखिए अब अपनी खसखस -खस पूरी तरह से तैयार हो गई है सीख गई है भुन गई है तो इसमें अपन और भी जो ड्राई फ्रूट्स मिलाए थे ना अपन ने पीस के रखी है बादाम वगैरह और काजू मगज के बीज चिरौंजी दाने ये सब भी इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको चलाते हुए ये देखिए ये सब मैंने डाल लिया है और इसको ये सब काम जब भी अपना हलवा बन रहा है ना थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन इसको स्लो फ्लेम पे ही बनाना है बिल्कुल धीमी आंच पे।, पे इसको हलवे को तैयार करना है क्योंकि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स को अगर आप तेज़ आंच पे बनाओगे तो वो जल जाएंगे टेस्ट उनका ख़राब हो जाएगा इसलिए आप स्लो पे इसको धीरे मीडियम फ्लेम पे ही रखना तो इस सर्दी ये बादाम और खसखस का हलवा ज़रूर बनाइए आप लोग गुणों से भरपूर है ये हलवा ये देखिए अपनी ये सारी चीज़ें भी अच्छे से बुनती जा रही हैं और घी अलग ही कढ़ाई में नज़र आ रहा है घी छोड़ छोड़ चुकी हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स ये यहाँ पर मेरी पिन खजूर भी तैयार हो गई है इनकी गुटलियाँ वगैरह सब निकाल दिए आप चाहो तो इसको भी जैसे ड्राई फ्रूट्स अपने सारी ओवरनाइट भिगोए थे पिन खजूर को भी आप भिगो के और फिर मिक्सर में पीस लीजिएगा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट करा है घी में और फिर डालूंगी मैं इनको यहाँ पर इस स्टेज पे अपन एक से दो लीटर दूध डालेंगे दूध डाल के भी इन सबको पका लेंगे अच्छे से क्योंकि मैं यहाँ पिंट खजूर डाल रही हूँ शक्कर की जगह आप चाहो तो शक्कर भी डाल सकते हो यहाँ पर आप इसकी जगह मिश्री भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर पिंड खजूर डाल रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो पिंड खजूर बहुत अच्छी रहती है सर्दियों के हिसाब से खाना चाहिए ये देखिए जितना भी दूध मैंने डाला था वो अच्छे से इसने पक गया है पूरी तरह से और ये आसपास देख रहे हैं आप घी जो अपन ने डाला है घी छोड़ देती है तो समझो कि हलवा तैयार हो गया चलिए हलवा मेरा तैयार हो गया था और मेरे को फातिया दिलवानी थी एक्चुअली मैंने इसलिए स्पेशल ये हलवा तैयार किया था तो मैंने फातिया दिलवा दी है मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने अच्छे से फातिया लगाई थी और अब मुझे क्या है मेरे को बाहर जाना है तो मुझे थोड़ी तैयारी करनी है तो मैं वही तैयारी में लग गई हूँ और ये हलवा तो यही बाप बेटे खाएंगे वही मैं तो जा रही हूँ और देखिए मैंने अपनी तैयारी हो गई है तो ये लोग हलवे को एंजॉय करेंगे और मैं अपनी जर्नी को